दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। एक और बेकार सा क्वेश्चन मैं बोलूं कि जिसको मतलब बच्चे डरते हैं और से कहते हैं कि बेकार सा क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने नाम भी रख दिया इसका बेकार क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं इसमें कितना मतलब ये डिफिकल्ट है, कितना ये इजी है, अभी पता चल जाएगा, ठीक है ना। देखो, मैं दो क्वेश्चन ऑलरेडी ऐसे बकवास वाले करवा चुका हूँ। एक इससे ठीक पहले करवाया था मैंने एक्सपेंडिचर मेथड का, जिसको बच्चे कहते हैं थोड़ा अजीब सा है क्वेश्चन, मैंने करा के दिखा दिया। उससे पहले एक वैल्यू एडिट का भी करवाया था आपको। अभी एक और क्वेश्चन है वैल्यू एडिट का क्वेश्चन है, जिसमें बच्चे कहते हैं भाई थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है इनको पढ़ने में कि ये है क्या चीजें, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, मैंने इस तरह से यहाँ पे देखो किस तरह से यहाँ पे कर दिया है साइड में, ताकि यहाँ पे आपको दिखता रहे क्वेश्चन कैसा है। हमें सारे रुपीज जो है वो करोड़ में दिए हुए, यानी इतना अमाउंट के बाद करोड़ और है, तो हमें ऐसे ही रखनी है, अमाउंट को चेंज नहीं करना, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। देखो वैल्यू एडिट, सबसे पहले देखो वैल्यू एडिट का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने कहा वैल्यू एडिट के लिए ना सबसे पहले निकाला जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, क्या निकाला जाता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला जाता है। ये वैल्यू एडिट मेथड कहता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट सबसे पहले निकालो, जिसको निकालने के लिए आपको सेल्स लेना होता है प्लस चेंज इन स्टॉक लेना होता है। क्या लेना, चेंज इन स्टॉक। तो दो चीजें मैंने लिख दी, मैंने सेल्स भी लिख दिया और मैंने चेंज इन स्टॉक लिख लिया, क्लियर। अब सेल की अगर बात करें तो सेल कहाँ है मेरे पास, मैंने कहा देखो सेल ऑफ वीट बाय द फार्मर इन द लोकल मार्केट, यानी फार्मर ने क्या करा, जो वीट प्रोड्यूस किया था ना उसको लोकल मार्केट में बेचा, 6,80,000, उसके बाद करोड़ भी है, ठीक है ना। तो हम सिर्फ ऐसी अमाउंट लेते हैं 680, ठीक है ना। करोड़ हम बाद में लगा लेंगे आंसर, क्योंकि बार बार करोड़ लगाओगे तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए लास्ट में जो आंसर आया ना उसमें आप करोड़ लगा लिया करो एक बार, ठीक है ना, बराबर वही माना जाता है, बट लास्ट में जरूर लगाना एक बार, ठीक है ना। तो 680 मैंने सेल्स ले लिया, बट ध्यान से देखें तो अभी सेल और भी हमें दिया हुआ है इसमें। ये परचेस ऑफ ट्रैक्टर है, ये नहीं आएगा। कभी भी हम कोई एसेट्स खरीदते हैं, देखो ट्रैक्टर क्या होता है हमारा, हमने ट्रैक्टर थोड़ी ना बेचना, हमने तो उससे जो हम फसल जो प्रोड्यूस करेंगे, जो हम वहाँ पे वीट प्रोड्यूस करेंगे उसको बेचेंगे, है ना। तो ट्रैक्टर तो मेरे लिए क्या हो गया, एक तरह से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, तो मैं इसकी बात नहीं करता, क्लियर है। इसका कोई रोल है ही नहीं क्वेश्चन में, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, ये बेचने के लिए नहीं खरीदा मैंने, खेती करने के लिए खरीदा है, तो ये मेरे पास ही रहेगा, इसको कुछ नहीं करना, क्लियर। आगे चलते हैं। प्रक्योरमेंट, प्रक्योरमेंट मतलब होता है उपलब्ध करवाना, क्या करवाना, उपलब्ध करवाना, क्या उपलब्ध करवाया, ऑफ वीट, वीट उपलब्ध करवाया, किसने उपलब्ध करवाया, गवर्नमेंट ने वीट उपलब्ध करवाया, कहां से, फार्मर से। इसका मतलब फार्मर ने पहले गवर्नमेंट को बेचा, फिर गवर्नमेंट हमें उपलब्ध करवा रही है, इसका मतलब ये भी तो फार्मर की सेल हो गई, तो 20,000 हमें और सेल दिया होगा इसमें। इसमें सिर्फ क्या थोड़ा सा दिक्कत यही है कि जो लाइनें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो तीन पॉइंट हमारे सॉल्व हो गए। चौथा देखते हैं, कंजम्पशन ऑफ वीट बाय द फार्मिंग फैमिली, यानी जो फार्मर से उनकी फैमिली ने खुद ने भी कुछ कंजम्पशन किया है, ठीक है, मैंने खुद के लिए भी अपने लिए कुछ अनाज रख लिया है, वीट रख लिया है, वो है 5,000 का। तो बच्चे देखो, मैंने एक पॉइंट याद रखना हमेशा, कभी भी आप गुड्स का सेल्फ कंजम्पशन, यानी प्रोडक्शन कर रहे हो गुड्स का सेल्फ कंजम्पशन पर्पज के लिए, यानी खुद के कंजम्पशन के लिए अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो उसे हमेशा इंक्लूड करना चाहिए, उसको सेल में डाल दिया करो आप, ठीक है ना। बट अगर मान लो आप सर्विसेज के बोल रहे हो कि सेल्फ कंजम्पशन, तो सर्विसेज को कभी भी इंक्लूड नहीं करते, क्लियर हो गया। सर्विसेज जैसे मान लो हाउस वाइफ की सर्विस हो गया, किचन गार्डनिंग की सर्विस हो गया, इसको कभी भी इंक्लूड नहीं करते। तो अगर वो बोलेगा सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इंक्लूड ही नहीं करना, फिर तो लेना ही नहीं है। बट अगर वो गुड्स की बात कर रहा है, यानी प्रोडक्शन किया या कुछ भी किया और उसको खुद के लिए रखा है, तो उसको सेल का पार्ट मान लेना चाहिए। तो कंजम्पशन कभी भी हम कर रहे हैं, कौन कर रहा है, फार्मिंग फैमिली, इसका मतलब सेल्फ कंजम्पशन, खुद के लिए रखा हुआ है उन्होंने कितना, 5,000, तो उसको भी सेल का पार्ट मान लिया करो आप, क्लियर। चेंज इन स्टॉक नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, ना तो ओपनिंग स्टॉक है ना हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो ये जीरो हो गया हमारा, ये आ गया 7,05,000, ठीक है। मैं यहाँ पे करोड़ लिख देता हूँ मेन आंसर में, क्लियर। अब हमें वैल्यू एडिट निकालना है, मैंने कहा वैल्यू एडिट। अब वैल्यू एडिट का फॉर्मेट कहता है कि कुछ ना कहे तो पहले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ग्रॉस लगता है और पीछे एट एमपी लगता है, और इसको निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट जो वैल्यू आई होती है वो लिखना होता है, और उसमें से माइनस करना होता है क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्या माइनस करना होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ढूंढते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है, कितना उसमें परचेज किया था। देखो परचेज सिर्फ ट्रैक्टर का दिया है, ट्रैक्टर तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन थोड़ी ना होता है, वो कच्चा माल थोड़ी ना है, वो तो हमारी क्या है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, तो ये है नहीं। बाकी मैंने कर लिए, दो पॉइंट बचे, सब्सिडी होता नहीं है और एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। ये जो एक्सपेंडिचर जो किया हुआ है, किस पे किया एक्सपेंडिचर, ऑन द मेंटेनेंस ऑफ, किसके मेंटेनेंस पे खर्चा हुआ है, ये खर्चा हुआ है कैपिटल स्टॉक के मेंटेनेंस पे, तो उसको कहते हैं बच्चे डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन, क्योंकि देखो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, कैपिटल स्टॉक क्या होता है आपकी, मतलब एसेट्स की बात कर रहा हूँ ये मान के चलो, और उसकी वैल्यू गिर गई है, यानी मेंटेनेंस करवाई है तो कुछ खर्चा वर्चा हो गया होगा, खर्चा हो गया तो जो भी खर्चा मेंटेनेंस पे होता है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
उसको डेप्रेशन बोलते हैं। देखो एसेट्स है, जब उसकी वैल्यू गिरने, देखो टूट फूट जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है ना, तो उसकी वैल्यू गिरना स्टार्ट हो जाती है, तो हम क्या करते हैं उसकी मेंटेनेंस कराते रहते हैं, तो वो भी डेप्रेशन ही माना जाता है। यहाँ पे आपको डेप्रेशन की तरह इसको ट्रीट करना पड़ेगा, क्लियर। तो देखो यहाँ पे कुछ है नहीं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो मैंने ये लिखा 7,05,000 एज इट इज, ठीक है ना। फिर मैंने बोला अब क्या करना है, इसने बोला नेट वैल्यूएटेड निकालना है, हमें तो नेट निकालना है ना, तो हमने कहा नेट निकाल लेते, कन्वर्ट कर लेते नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो 7,05,000 एज इट इज लिखा, ग्रॉस से नेट, ग्रॉस हमेशा बड़ा होता है, नेट छोटा होता है। अब ग्रॉस से नेट यानी छोटे की तरफ जा रहा था, माइनस करना पड़ेगा, नीचे जा रहा हूँ ना, तो माइनस करेंगे हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। क्या माइनस होगा, डेप, डेप कितना दिया बच्चा 10,000। वैल्यू एडिट से वैल्यू एडिट कुछ नहीं करना होता है, ये भी याद रखिए। एमपी से एफसी, क्योंकि दोनों सेम थे ना, तो एमपी से एफसी, अब एमपी भी बड़ा होता है, मार्केट हमेशा बड़ा होता है, फैक्टर छोटा होता है, तो एमपी से एफसी जाऊंगा तो ये भी नीचे आ रहा है, इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा, इससे नीचे मत समझना। अगर मान लो यहाँ पे एफसी होता, ऊपर एफसी होता, नीचे एमपी होता, तो फिर क्या करते हैं, मैंने कहा एमपी रहा एफसी रहा, एमपी हमेशा ऊपर रखा है मैंने, ठीक है ना, एफसी। अब इसके अकॉर्डिंग एफसी ऊपर ओवर होता तो इसका मतलब क्या, मैं एफसी से एमपी पे जाता ऐसा होता, तो एफसी से एमपी, तो क्या करता प्लस करता है, इससे मत देखना, ठीक है ना, ये आपको समझना होता है, ठीक है ना। तो मैंने कहा एमपी, यहाँ एमपी है, यहाँ एफसी है, तो एमपी हमेशा बड़ा, ये एफसी छोटा, तो जाना कहा है एमपी से एफसी बोला था उसने, तो नीचे जा रहा हूँ माइनस। और अगर मान लो एफसी ऊपर होता है, एमपी नीचे होता है इसमें, ठीक है, तो फिर भी अपने अकॉर्डिंग पहले तो बनाना पड़ेगा, एमपी बड़ा एफसी छोटा। अब वो कह रहा मान लो एफसी से एमपी जाना है, तो एफसी ये रहा, एमपी ये रहा, तो ऊपर जाओगे फिर प्लस करोगे, ठीक है ना। तो चलो ये आप, मैं मानता हूँ आपको ये आता है, क्योंकि हम तो गिने चुने क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। तो एमपी से एफसी में गए, माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, इनडायरेक्ट टैक्स में माइनस कर देते हैं सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स दिया नहीं है क्वेश्चन में, सब्सिडी दिया हुआ है, कितना दिया 2,000, तो कितना आएगा माइनस का 2,000 आ गया अमाउंट। तो जब आप यहाँ माइनस का 2,000 अप्लाई करोगे इस तरह से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7,07,000 ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये घट जाएगा, तो आ गया 6,97,000, बात समझ आ गया। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जिन्होंने अभी भी ये क्वेश्चंस नहीं किए हुए, ये तो देखो अच्छे थोड़े घुमाने वाले क्वेश्चन है, जैसे मैं करा रहा हूँ आपको, ठीक है। वैसे बहुत इजी है ये क्वेश्चन, मैं इनको बेकार क्वेश्चन भी नहीं मानता, और क्या मैं ये भी नहीं बोलता कि ना बहुत बड़े क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। बट मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हिंदी मीडियम वाले प्ले लिस्ट में जाओ मेरे यूपी चैनल पर, वहाँ पर प्रॉपर क्वेश्चन कराए हुए हैं, पहले क्वेश्चन कर लीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बार बार बोलूंगा, मैंने करवाए मैं क्वेश्चन ऑलरेडी मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले प्लेलिस्ट में होंगे जहाँ तक है, तो वहाँ पे क्वेश्चन कर लो, ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चन बाद में हैंडल करना सीख जाओ। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे रोक लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।